नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नगर परिषद तेंदुखेड़ा के पुराने बस स्टैंड से NH-12 हाईवे रोड तक मॉडल रोड का निर्माण PWD विभाग के द्वारा किया जाना है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से नहीं हो पा रहा है। PWD विभाग के द्वारा 26 किलोमीटर की दूरी का तेंदुखेड़ा से बरमान तक निर्माण किया जा रहा है। अभी वही निर्माण अंतिम कार्य नगर परिषद तेंदुखेड़ा के पास चल रहा है। अगर PWD विभाग चाहे तो लंबे समय से लंबित नगर परिषद तेंदुखेड़ा मॉडल रोड का निर्माण करा सकती है। हम खड़े नगर परिषद तेंदुखेड़ा के उस रोड पर जो भी मॉडल रोड में होना था, तब भी प्रशासन की अनदेखी के कारण इस रोड की हालत बद से बदतर है। इस रोड का निर्माण PWD विभाग के अंतर्गत होना है, जो कि नगर परिषद तेंदुखेड़ा के बाहर निर्माण कर रही है। अगर PWD विभाग इसका निर्माण करती है तो इस रोड की बदल सकती है कायाकल्प। तेंदुखेड़ा से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस रोड पर 3 बैंक संचालित होने पर लोगों का भारी संख्या में आवागमन रहने से जाम की स्थिति निर्मित होती है। सूत्रों की माने तो नरसिंहपुर जिले में सिर्फ नगर परिषद तेंदुखेड़ा के मॉडल रोड का सिर्फ काम नहीं लग पा रहा है। लंबे समय से नगर परिषद तेंदुखेड़ा में मॉडल रोड की आवश्यकता महसूस हो रही है, जो PWD विभाग में आता है। इसके द्वारा BJP सरकार में आप क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमने एक कदम यह उठाया है कि बीच में हमारे जो प्रदेश के PWD मंत्री हैं माननीय सुरेश जी धाकड़, वो माननीय शिवराज जी के यहाँ जब सत्र समाप्त हुए थे तो गोंदिया बैठने गए थे उनके यहाँ, तो रात्रि नरसिंहपुर रुके विश्राम गृह में। तो हम लोगों ने जैसी जानकारी मिली, दूरभाष पर उनसे चर्चा हुई, तो उनने कहा मैं तेंदुखेड़ा भी आने का मेरा मूड है। तो तेंदुखेड़ा उनको हमने आग्रह किया और तेंदुखेड़ा आए। वो त्राड़ भवन में हमने तेंदुखेड़ा में उनका स्वागत रखा, सम्मान रखा। उस समय हमने उनको अवगत कराया कि पुराने बस स्टैंड थे और NH-12 तक पक्की सीमेंट सड़क बनना चाहिए। तो माननीय सुरेश जी धाकड़ PWD मंत्री जी ने पूर्ण आश्वस्त किया था कि मैं बोल के जा रहा हूँ इस काम को अति शीघ्र कराऊंगा, बहुत अच्छा रोड बनवाऊंगा। अभी हम परसों के दिन माननीय सुरेश जी धाकड़ जी से मिलने भोपाल उनके निवास पहुंचे थे, तो वहां भी उनने दूरभाष पर इको निर्देश दिया, क्योंकि उनने कहा कि मैं बोल के आया हूँ, इसलिए हर स्थिति में इस मॉडल रोड को इसी सत्र में मार्च के पहले पहले इसको बनाना है। तो माननीय मंत्री जी ने पूर्ण आश्वस्त किया है और बोला है कि मैं बोल के आया हूँ, इसलिए मॉडल रोड को मार्च के पहले पहले बनवाऊंगा।